अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी एक्सरसाइज 3.5 है। 3.5 में जैसा कि हमने 3.4 में डॉट के अकॉर्डिंग जो है दो वेक्टर्स को सॉल्व किया, इसी तरीके से यहाँ पे हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह की कहानी आएगी। ठीक है जी, तो अब जैसे कि क्वेश्चन में हमारे पास एक्सरसाइज में 1 to 10 तक क्वेश्चन से कोशिश करेंगे। देखिए बेटा, 3.4 में भी मैंने स्टार्टिंग में यही बात कही थी कि हम जो है पूरी एक्सरसाइज को करेंगे, लेकिन मैंने इसको वन ही पार्ट में रिकॉर्ड किया था। कुछ मेरे साथ अपलोडिंग का इशू आ रहा है आजकल, कुछ नेट का भी इशू है थोड़ा सा, जिसकी वजह से जो है ना वो अपलोडिंग नहीं हो पा रही थी इतनी बड़ी लेंथी वीडियो, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज को 1 घंटे में पॉसिबिलिटी नहीं होती कि वो अपलोड हो जाए। उसमें कुछ प्रॉब्लम आया हुआ, कोई इशू थे मेरे पास टेक्निकल, जिसकी वजह से मैंने उसको 2 पार्ट्स में जो है ना अपलोड किया है, 1 to 5। और मेरी कोशिश अमूमन यही होती है कि पूरी एक्सरसाइज को मैं एक ही सुनूँ, मतलब अगर 1 से 1.5 घंटे की वीडियो हो जाए, लेक्चर हो जाए, तो मैं रिकॉर्ड कर देती हूँ। अगर बहुत ज़्यादा 2.5 घंटे पे चला जाए, 3 घंटे में, तो फिर मैं उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। अभी भी पूरी कोशिश करूँगी इसको मैं 1 to 10 तक एक ही लेक्चर में अपलोड कर दूँ। अगर नहीं हो पाया, कुछ इशूज़ आए, तो फिर मैं इसको 2 पार्ट्स में अपलोड करूँगी। क्वेश्चन 1 to 5 एक में कर दूँगी और 6 to 10 एक में कर दूँगी। ठीक है जी, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि हमें नज़र आ रहा है यहाँ पे दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर 4i कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और बी वेक्टर है i कैप प्लस 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब इसमें हमें पता है क्या कहा जा रहा है, इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ उसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। क्या कहा जा रहा है? क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करें। जैसे कि हमें ए का पहले बी के साथ क्रॉस लेना है, फिर हमें बी का ए के साथ क्रॉस लेना है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं 1 by 1। पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं, इसके भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं, तो फर्स्ट का सोल्यूशन आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पहले। ठीक है जी, तो आपने यहाँ पर लिखा कि हमें करना है ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आप इसको लिखोगे, और लिखने के बाद आपने क्या करना है, आई कैप, जे कैप और के कैप, इनके कंपोनेंट इस तरीके से आपने लिखे। और फर्स्ट वेक्टर में देखें आपके पास जो 4 है ना, ये आई है, आई कैप, इसका जे जो है वो 1 है और के भी हमारे पास 1 है। सेकंड देखें, सेकंड वेक्टर बी है, इसका नीचे लिख दो 1, जे 2 है और के 3 है। इस तरह हमारे पास ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपने इसको लिख लिया। अब वही वाला मेथड जो डिटर्मिनेंट में होता है कि फर्स्ट आई को जो आपने क्या किया साइड पर लिया है, और आई जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे, बाकी के तमाम एलिमेंट्स जो है मैट्रिसेस के हम इस तरह लिख देंगे। एलिमेंट बेसिकली एंट्रीज हैं जो 1, 2, 3, 4 है। ठीक है जी, यहाँ पे माइनस फार्मूला का आता है, ये सब तो आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह मैट्रिक क्लास से करते हुए आए हो, ठीक है, स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आपको आता है। अब जे जिस कॉलम में और जिस रॉ में इसको हम स्किप कर देंगे, बाकी के रिमेनिंग 1, 4, 1, 1, 3। ठीक है जी, ध्यान से लिखिएगा, कोई मिस्टेक ना हो जाए। यहाँ पे प्लस के कैप, अब क्योंकि जिस रॉ में और जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे, 4, 1, 1, 2। अब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस 1, 3 ज़ा 3 माइनस 2, 1 ज़ा 2 माइनस का जे क्या 4, 3 ज़ा 12 एंड माइनस का 4, 1 ज़ा 1, 1 ज़ा 1 प्लस के क्या 4, 2 ज़ा 8 1, 1 ज़ा 1। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1 i कैप हो जाएगा। ठीक है, तो i1 तो लगाएंगे नहीं, इसलिए हम i कैप लिख देंगे। 12 से 1 को माइनस करो तो 11 आता है, और यहाँ j है तो माइनस का 11 j कैप, और यहाँ पे 8 में से 1 गया 7, तो आ जाएगा प्लस 7 k कैप। इस तरीके से हमें मिल गया ये क्या, a वेक्टर का क्रॉस b वेक्टर के साथ। तो आप इसको एक बॉक्स में इस तरह करके बेशक बंद कर दें। अब इसी का सेकेंड पार्ट है, इसी का ही वो है, बी वेक्टर को ए वेक्टर के साथ क्रॉस करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आई कैप, जे कैप, के कैप। अब पहले बी वाले के लिख देंगे जो कि थे 1, 2, 3, और फर्स्ट वाले के क्या थे हमारे पास 4, 1, 1, इसको हमने नीचे लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, उसी तरीके से आई कैप को साइड पे किया, आई जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे, और बाकी रिमेनिंग लिख देंगे 2, 3, 1, 1 माइनस का जे कैप, जे जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है इसको स्किप कर देंगे 1, 3, 4, 1 के जिस कॉलम और जिस रॉ में है इसको स्किप कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1, 2, 4, 1। अब आई ऐसे ही रहा, 2, 3 ज़ा 2, 1 ज़ा 2, 3, 1 ज़ा 3, तो हमें मिला माइनस का जे कैप, 1, 1 ज़ा 1, 4, 3 ज़ा 12 माइनस का 12 हो जाएगा, प्लस का 4 k कैप, सॉरी के कैप, 1, 1 ज़ा 1, 4, 2 ज़ा 8 माइनस का 2 आएगा फार्मूला का। ठीक है जी, माइनस का 8 हो जाएगा, तो 3 में से 2 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा, माइनस का 1 तो माइनस का आई कैप। अब ये देखो 12 में से 1 गया तो माइनस का 11, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस, तो प्लस का 11 जे कैप,
एट में से वन को माइनस करो तो क्या आता है, माइनस का सेवन। तो माइनस का सेवन और ये प्लस प्लस माइनस माइनस, मैं ब्रैकेट को भी सॉल्व कर रही हूँ साथ साथ और इसके अंदर और बाहर इसको भी, इस वाले साइन को भी सॉल्व कर रही हूँ। आपने अभी एक चीज़ नोट की होगी, जब हमने बी क्रॉस ए किया तो ये इसका अपोजिट आ रहा है, नोट करें आप लोग ये चीज़। तो आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमारे इस हमेशा ये आपको ये प्रूफ करने के लिए भी दे सकते हैं आपके एग्ज़ाम में, कि वो कह देगा कि अगर इस तरीके से आ जाए क्वेश्चन कि ए क्रॉस बी को फाइंड करें वो माइनस बी क्रॉस ए है, इस तरह आप ये चीज़ प्रूफ करें, तो फिर आप इस तरह प्रूफ भी कर सकते हैं। तो फिर आपने सिर्फ क्या करना होगा, इस तरह प्रूफ दैट लगाने के बाद आप इसको फॉर एग्ज़ाम्पल कह दें कि इक्वेशन नंबर वन है, इसको कह दीजिए आप इक्वेशन नंबर टू है, और आप लिख दीजिएगा फिर आंसर में फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड इक्वेशन नंबर टू वी प्रूफ्ड। इस तरीके से करके भी आप लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी इन्होंने सिर्फ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बारे में पूछा था, तो आपने सिर्फ इतना ही लिखना है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। देख लें, ये पॉजिटिव का आई कैप है, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव का 11 जे कैप, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा पॉजिटिव होगा। इस तरह ये हमारा फर्स्ट पार्ट का और क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारा कवर हुआ। अब हम करते हैं इसी का सेकेंड पार्ट, ठीक है जी। सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, बाकी इसी तरीके से हम टैकल करेंगे उसको। अच्छा जी, इसका सेकेंड पार्ट है, हमारे पास ए वेक्टर जो है वो माइनस का 2y कैप प्लस का 5j कैप माइनस का 3k कैप है, और गिवन बी वेक्टर जो है वो 3i कैप प्लस का 2j कैप और प्लस का k कैप है, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें भी हमें यही करना है, पहले सबसे पहले बी क्रॉस ए क्रॉस बी कर लेते हैं, ए वेक्टर को बी के साथ क्रॉस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आई के जे कैप आई कैप जे कैप एंड के कैप, इनके कंपोनेंट देखो, कोफिशेंट देख लो, माइनस का 2, इसका 5, इसका माइनस 3, बी वाले के 3 2 1। आप इस तरह करके चाहें तो इधर एक कर लें, इधर बी वाला कर लें, बराबर में कोई इशू नहीं, लाइन ड्रॉ कर लें बेशक, नहीं तो आप बाद में नीचे कर लें, कोई इशू नहीं, मैं आपको करवा देती हूँ इधर ही ऐसे करके, दोनों एक साथ करवा देती हूँ। यहाँ आ जाएगा बी क्रॉस ए, जब आप बी क्रॉस ए कर रहे होगे तो आई और डिटर्मिनेंट फॉर्म इस तरह लिखोगे, आई जे के कैप, दोनों का तीनों का अलग अलग, पहले बी वाले के आएंगे तो 3 2 1 ऊपर हो जाएगा, और ये माइनस का 2 5 और माइनस का 3 नीचे हो जाएगा, बात तो एक ही होगी ना, ये ऊपर हो गया लेकिन सेम रहेंगे, ठीक है जी। चलिए अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे आई कैप को ऐसे ही रखो। अब आई जिस कॉलम और जिस रॉ में इन्वॉल्व है उसको हम क्या करेंगे, स्किप कर देंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास आ जाएगा यहाँ से 5 माइनस का 3 टू पर 1, ठीक है, माइनस का जे कैप, जे जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको हम स्किप कर देंगे, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस का 2 माइनस का 3 थ्री पर 1, फिर प्लस के कैप। अब के जो है जिस रॉ में जिस के एलिमेंट जितने भी रॉ में होंगे इसको स्किप कर देंगे, माइनस का 2 5 3 एंड 2, ठीक है जी। अब यहाँ से आ जाएगा आई कैप, 5 1 5 माइनस 3 2 6 माइनस का 6, और ये ऑलरेडी माइनस है तो प्लस का 6 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का जे कैप, 2 1 2 माइनस का 2, 3 3 9 माइनस का 9 और ये माइनस, तो प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस का के कैप, 2 2 4 और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थोड़ी बहुत चीज़ें स्किप करें अभी, इसको ये नहीं कि साइन को भी आप ब्रैकेट में लगाएंगे, 5 3 15 तो माइनस का 15 हो जाएगा। हमें यहाँ से मिला 6 और 5 कितना होता है 11, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ 11 आई कैप, 9 में से 2 गया तो हमारे पास कितना बचा 7, पॉजिटिव 7 बचेगा क्योंकि 9 बड़ा और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है माइनस का 7 जे कैप, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 15 और 4 होता है 19, 19 माइनस का 19 और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस हमें मिला माइनस का 19 के कैप। तो ये हमें मिल गया ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज 11 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस का 19 के कैप। अब हमें इसका ये अपोजिट चाहिए होगा, नेगेटिव आएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे। अब आई कैप रखा, आई जिस रॉ और जिस कॉलम में है हम उसको स्किप कर देंगे, और बाकी के तमाम रिमेनिंग एलिमेंट्स को हम जो है ना यहाँ पर लिख देंगे। अच्छा मैं पहले बोर्ड को भी देख लूँ ऊपर कैमरा है कि यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि नहीं, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ था, पूरा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था और पूरी वीडियो जो है वो ब्लर थी, ठीक है जी। जी साथ साथ इसको भी देखना है। अच्छा जी अब देखें हमारे पास क्या है यहाँ पर, देते हैं अपनी बुक पे। अच्छा जी अब यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो लिख लेते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व। अच्छा यहाँ पे 3 देखने दीजिएगा, हमारे पास ए वाला जो था वो माइनस का 2 5
और माइनस का 3 था, बी वाला 3, 2 और 1 है, बिल्कुल सही है, 3, 2 और 1 है ए वाला ना, ए वाला माइनस का 2, 5 माइनस 3 है, और बी वाला जो है, ए वाला जो है वो बी 3, 2, 1 है, सही। ठीक है जी, उसी तरीके से हमने करना है, मतलब पहले ए इंटू बी किया था, बी इंटू ए कर लेंगे। चलो भाई, अब हमारे पास ये वाला ही रॉ और कॉलम स्किप कर दो, तो रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास, 2, 1, 5 माइनस का 3 माइनस का जे कैप, तो जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दो, 3, 1 माइनस का 2 माइनस का 3 के कैप, तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 माइनस का 2 और 5। ठीक है जी, तो आई कैप 3, 2, 3 जा 6 माइनस का 6 और 5, 1 जा 5 माइनस का 5 माइनस का जे कैप, 3 इंटू 3, 9 माइनस का 9 और 2, 1 जा 2 माइनस का 2 और ये माइनस तो प्लस का 2 हो जाएगा, प्लस का के कैप, 3, 5 जा 15 और 2, 2 जा 4 माइनस का 4 और ये माइनस ऑलरेडी है तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो हमें मिला माइनस माइनस प्लस 6 और 5, 11 माइनस का 11, तो माइनस का 11 आई कैप, 9 में से 2 गया तो हमें बचा माइनस का 7, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 7 जे कैप, 15 और 4, 19 तो प्लस का 19 के कैप, तो हमें यहाँ से मिला बी इंटू बी क्रॉस ए वेक्टर जो है वो हमारे पास आया है माइनस का 11 आई कैप प्लस का 7 जे कैप। देखें आप, इसका अपोजिट है, देख रहे हैं आप, ये प्रूफ करने को भी आ सकता है। ठीक है जी, तो नोट कर लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आपको अब इसके दोनों पार्ट करवा दिए हैं, अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में यही वेरीफाई करना है जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कि अगर आपको पास एक ए वेक्टर को बी वेक्टर के साथ क्रॉस करना हो या बी का ए के साथ क्रॉस करना हो तो फिर आपको किस तरीके से करना पड़ेगा, यही चीज़ इसमें क्वेश्चन नंबर बी में बताई गई है। देखिएगा, अब क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है वेरीफाई दैट, हमें क्वेश्चन नंबर 2 करना है इसका, वो कह रहा है वेरीफाई कीजिए, वेरीफाई दैट, ठीक है, क्या वेरीफाई करना है कि ए का बी के साथ क्रॉस करें तो माइनस बी क्रॉस ए हो, मतलब इसी का अपोजिट है जो भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, और दोनों वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर जो है वो आपके पास आई कैप माइनस का 7 जे कैप प्लस का 7 के कैप है, और जबकि बी वेक्टर आपके पास क्या गिवन है, 3 आई कैप माइनस का 2 जे कैप प्लस का 2 के कैप है। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, taking left hand side which is a vector cross b vector, और यहाँ पर हम करेंगे taking right hand side, दोनों में एक साथ ही कर रही हूँ, taking right hand side जो कि है minus b cross a। ठीक है जी, जब हम a cross b करेंगे तो सेम आज जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया कि आपने क्या करना है, इसको determinant form में लेना है, डिटरमिनेंट फॉर्म का मतलब क्या है, वही वाली चीज़ अभी थोड़ी देर जो पहले बताई कि आई कैप जे कैप और के कैप में कंपोनेंट्स लिखे, इनके कोफिशेंट्स लिख दीजिए, आई जे के के, आई है 1 माइनस का 7 प्लस का 7, ये है 3 माइनस का 2 और पॉजिटिव 2। ठीक है, अब यहाँ से हम आई को साइड पर रखेंगे, आई जिस रॉ जिस कॉलम में है उसको हम स्किप कर देंगे, माइनस का 7, 7 माइनस का 2 और 2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का जे कैप 1, 3, 7, 2। अब तो ये आपको समझ में आ गया, जिस जे जिस रॉ जिस कॉलम में आएगा उसको स्किप करके, और अब आपकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे, के जिस रॉ और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर देंगे, 1 माइनस का 7, 3 पर माइनस का 2। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, आई कैप 7, 2 जा 14 माइनस का 14 और 2, 7 जा 14 माइनस का 14, तो माइनस माइनस यहाँ से हो जाएगा प्लस, प्लस का 14 तो ये कैंसिल भी हो जाएगा, माइनस का जे कैप 2, 1 जा 2, 3, 7 जा 21 माइनस का 21 प्लस का के कैप 2, 1 जा 2 माइनस का 2, 3, 7 जा 21 और माइनस का 27 आएगा, ये एक ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 21, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा प्लस वाला माइनस से कैंसिल, तो आई कैप क्या हो जाएगा 0, तो 0 आई कैप, 22 में से 1 में से 2 को माइनस करोगे तो 19 आएगा, माइनस का 19 और ये माइनस है तो माइनस माइनस हो के प्लस हो जाएगा, प्लस का 19 जे कैप, 21 में से 2 को माइनस किया तो हमारे पास 19 आया, प्लस का 19 और प्लस 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 होता है, प्लस का 19 के कैप, तो हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी क्या आया है, 19 का जे कैप, या 0 लिखना चाहे चले लिख लें कोई इशू नहीं है, 0 आई कैप प्लस 19 जे कैप प्लस 19 के कैप, इसको आप कहते हैं दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगर हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे तो राइट हैंड साइड पर हमारे पास क्या है, ये देखिएगा,
हम कहेंगे माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है जी। हम ये प्रूव करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो अब यहाँ लिखोगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप, ठीक है। तो हमारे पास आई क्या है यहाँ पे, आई के बी थ्री वाला ऊपर कर दो ना, बी वाला ऊपर कर दो और ए वाले नीचे कर दो, माइनस का सेवन। तो इस तरह यहाँ पे आएगा आई कैप, आई जिस रॉ जिस कॉलम में और फिर इसको डाल दो माइनस का टू, टू हमारे पास आ जाएगा माइनस के सेवन पर सेवन, फिर यहाँ से आ जाएगा माइनस का जे कैप और हमारे पास थ्री टू वन और सेवन आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा प्लस का के कैप, तो हम लिखेंगे थ्री माइनस का टू वन पर माइनस का सेवन, ठीक है जी। फिर भी देख लेते हैं के, यस थ्री माइनस का टू वन माइनस सेवन, ठीक है। आई कैप टू सेवन ज़ा फोर्टीन माइनस का सेवनटीन, माइनस माइनस प्लस, फोर टू ज़ा फोर्टी सेवन टू ज़ा फोर्टीन, ये भी कैंसिल हो जाएगा। माइनस का जे कैप थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, टू वन ज़ा टू माइनस का टू प्लस का के कैप, यहाँ से आ जाएगा थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी वन, टू वन ज़ा टू माइनस का टू, और ये माइनस माइनस प्लस प्लस का टू हो जाएगा। तो फोर्टीन से फोर्टीन कैंसिल, तो यहाँ जीरो हो गया, तो जीरो आई कैप माइनस ट्वेंटी वन में से नाइन को माइनस टू को माइनस कर दो, तो हमें मिला नाइनटीन माइनस का नाइनटीन, ठीक है जी। क्योंकि ये पॉजिटिव 19 होगा और ये नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस होता है इस वजह से, ठीक है जी। और यहाँ 21 में से 19 को माइनस करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 19, ठीक है। दो चीज़ों को एक साथ कर रहे हैं, ब्रैकेट को भी और बाहर वाले साइन को भी, तो इसके साथ खोल दिया है मैंने यहाँ पर। तो आपने यहाँ पर एक चीज़ नोट की, आपने इसको कहा कि दिस वन इज़ माइनस, या इस तरीके से बी माइनस, आप ऐसे करें बाहर साइड पर रखें, उसको ब्रैकेट में ले आए जैसे आपको दिया गया है। v क्रॉस a, ज़ीरो i कैप, माइनस का 19 j कैप, माइनस का 19 k कैप, इसको आपने कहा इक्वेशन नंबर टू, ठीक है जी। तो फिर आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर वन एंड टू वी प्रूव्ड a क्रॉस b इज इक्वल्स टू माइनस b क्रॉस a, ये आपका इसका आंसर है, ठीक है जी। इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री है। इस तरह सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर थ्री हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री में कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज़ द ऑर्थोगोनल ऑन बोथ द वेक्टर। अब ऑर्थोगोनल का मतलब मैंने बताया था ना, 3.4 में परपेंडिकुलर को कहा जाता है। अब यहाँ पर भी एक कहानी है, कहता है फाइंड अ यूनिट वेक्टर। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर यूनिट वेक्टर को फाइंड करना, विच इज़ ऑर्थोगोनल। अच्छा जी, पहले तो आप वेक्टर लिखो क्या क्या कैसे करेंगे। ए वेक्टर क्या है, आई कैप माइनस का टू जे कैप प्लस का थ्री के कैप। और बी वेक्टर क्या दिया गया है आपको, थ्री आई कैप माइनस का टू जे कैप और प्लस का के कैप। बेसिकली हमें पता है क्या चीज़ प्रूफ करनी है यहाँ पर, हमें यहाँ पर प्रूफ करने को कह रहा है, लेट कर लें फिलहाल वैसे कि एक ही कह रहा है कि लेट करें आप ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर ऑर्थोगोनल, मतलब परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर हैं देन फाइंड, फाइंड क्या करना है हमें, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है कि ए वेक्टर का क्रॉस लो बी वेक्टर के साथ और फिर उसी की मैग्नीट्यूड, कि ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। तो अब हमारे पास देखो ना, तो ए क्रॉस बी है, अगर ए क्रॉस बी होता तो हम उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है इस पूरे क्वेश्चन में, हमें सबसे पहले यहाँ पर निकालना है ए क्रॉस बी। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, नाउ वी फाइंड ए क्रॉस बी एंड देन इट्स मैग्नीट्यूड, लास्ट में निकाल लेंगे। अब अगर हम ए क्रॉस बी निकालना है, अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन सेकेंड में वही किया, उसी तरीके से क्या करेंगे कि आई कैप जे कैप और के कैप रखा। आई के जो है हमारे पास कोफिशेंट वन माइनस का टू थ्री, थ्री माइनस का टू वन। अब आई को स्किप कर साइड पर रखो, आई जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको हटा दो, माइनस का टू थ्री माइनस के टू पर वन, माइनस का जे कैप वन थ्री थ्री वन प्लस का के कैप, तो ये आ जाएगा वन माइनस का टू थ्री माइनस का टू, ठीक है जी। हमें यहाँ से मिला टू वन ज़ा टू माइनस का टू और प्लस का थ्री टू ज़ा सिक्स, ठीक है जी। माइनस का जे कैप वन वन ज़ा वन थ्री थ्री ज़ा नाइन, यहाँ से टू वन ज़ा टू माइनस का टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा थ्री टू ज़ा सिक्स। हमें यहाँ से मिला सिक्स में से टू को माइनस करो तो फोर आता है, डायरेक्ट कर दूँ फोर आई कैप एक्स कैप, उसको स्किप कर देते हैं इस स्टेप को, फोर आई कैप
19 में से 1 माइनस किया, माइनस का 8 माइनस का 8 और ये माइनस 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 प्लस हो गया 8 जे कैप हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा प्लस का 4 के कैप। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया, हमने यहाँ पर ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया है। अब हम फाइंड करेंगे नाउ मैग्नीट्यूड, नाउ फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, आप सब जानते हैं कि मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, आई कैप का स्क्वायर, ठीक है, जे कैप का स्क्वायर प्लस जे कैप ए बी सी भी कर सकते हैं और के कैप का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे ही है ना, इनके स्क्वायर्स लेने होते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है जी। तो आप इनके स्क्वायर्स ले लीजिए यहाँ पे। अब ए है हमारे पास 4, हम लिख देंगे 4 का स्क्वायर, यहाँ पर 8 है 8 का स्क्वायर, अगेन 4 का स्क्वायर, तो हमें यहाँ से मिल जाएगा इसकी मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, अगेन 4 का स्क्वायर 16, ठीक है जी। अच्छा जी, अब 16 एंड 64 आपको नज़र आ रहा है, यहाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है, कर लेते हैं 16 32 होता है, 32 एंड 64, तो हमें मिला 96। क्या मिला, ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड हमें मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ 96। अगर हम इसको थोड़ा सा मजीद ब्रेक करें तो हम यू में लिख सकते हैं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, आप करके भी देख सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम इसको लिख देंगे पोटेन वन, इस वाले वन में डाल देंगे, इसको भी पोटेन वन और इस वाले दो, या ऑल द वैल्यूज ऑफ ऑल द वैल्यूज पोटेन इक्वेशन नंबर वन, जिस तरह आप करना चाहें फार्मूला नंबर वन जो भी है, ठीक है जी। ये आपके पास बेसिकली यूनिट वेक्टर का फार्मूला है, ठीक है, आप इसको एन भी लिख सकते थे, आप यहाँ लिख लीजिए नाउ यू फाइंड एन यूनिट वेक्टर ऐसे, ठीक है। तो एन यूनिट वेक्टर, या आप यहाँ पे रेफरेंस देते हैं सिंपल के वन के में ऐड करने जा रहे हैं ना, तो आप इस तरह लिखें कि हम वन में इसको पुट कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी का क्या आया हमारे पास, 4 आई कैप प्लस का 8 जे कैप प्लस का 4 के कैप, और डिवाइड में मैग्नीट्यूड आई है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, तो ये डिनोमिनेटर सबके नीचे है ना, तो 4 आई कैप डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 8 जे कैप डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस का 4 के कैप डिवाइडेड बाय 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6, 4 से 4 कैंसिल, 4 वन जा 4, 4 टू जा 8, 4 से 4 कैंसिल, तो हमें यहाँ से मिल गया आई कैप अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 जे कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस के कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 6। दिस वन इज़ अवर आंसर यूनिट वेक्टर, हमें यहाँ पे फाइंड करना था, ठीक है जी, ये इसका आंसर हो गया, इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए आंसर को। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर। अब यहाँ पर भी यूनिट वेक्टर ही फाइंड करने को दे रहा है, लेकिन थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है ना, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब यहाँ पहले जो क्वेश्चन लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो ऑर्थोगोनल था, यहाँ परपेंडिकुलर कहा गया, एक ही बात है, टू ईच अदर ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर, बी वेक्टर ए वेक्टर माइनस, वहाँ पे सिर्फ ए वेक्टर और बी दिया गया था। अब यहाँ पे जो दिया गया है ना आपको, वो कह रहा है पहले ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर। अब दो यहाँ पे ए भी गिवन है और बी भी गिवन, अब हमें पहले क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर बी को बी के साथ ऐड करना पड़ेगा, फिर दोनों उन वैक्टर को आपस में माइनस करना पड़ेगा, माइनस इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें एक वैक्टर मिलेगा जो कि हमारे पास ए वैक्टर प्लस, मैं करके दिखाती हूँ आप लोगों को, आपको इतना समझ में नहीं आएगा। देखें भाई कहने का मकसद क्या है, यहाँ पर आप लिखें सबसे पहले, यहाँ पे बताएं आप यहाँ से, ए वेक्टर आपके पास क्या है, यहाँ पे है हमारे पास 3 आई कैप प्लस का 5 जे कैप माइनस का के कैप, और गिवन बी वेक्टर हमारे पास है आई कैप प्लस का 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, ठीक है जी। अच्छा यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, हियर वी हैव टू फाइंड यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर
एंड ए माइनस का बी वेक्टर। ठीक है जी, अब सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं, फर्स्ट वी फाइंड ए प्लस बी वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अगर हम ए प्लस बी का ना सिंपल कर लेंगे, तीन संख्या प्लस है ना, तो कहीं ब्रैकेट में लिखना चाहें लिख लें, कोई इशू नहीं। अगर आपको कन्फ्यूज़ हो तो देखो, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा साइन पे। देखिएगा ये ए है, बी वाले टू माइनस का टू, ये माइनस का फाइव। यहाँ पे हम पहले ए प्लस बी कर रहे हैं ना, तो अब यहाँ लिखेंगे भी कि हम ए प्लस बी वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, तो माइनस का फाइव के कैप। ठीक है जी, और यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे ए वेक्टर माइनस का बी वेक्टर, क्योंकि ए क्या है हमारे पास थ्री आई कैप प्लस का फाइव जे कैप माइनस का के कैप, बीच में आ जाएगा माइनस सिर्फ आई कैप प्लस का टू जे कैप माइनस का फाइव के कैप। अब प्लस से प्लस माइनस इसी तरीके से होता है ना, कि देखो थ्री वाला ये वन थ्री और वन फोर हो जाएगा। डायरेक्ट करना चाहें डायरेक्ट कर लें, नहीं तो यूँ भी लिख सकते हैं थ्री आई कैप प्लस का आई कैप, एक ही बात है ना, आई वाला आई के साथ, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, प्लस का फाइव जे कैप और ये प्लस का टू जे कैप। या यहाँ से आप ब्रैकेट को पहले ओपन कर दें, आपकी अपनी मर्जी है। माइनस का फोर के कैप और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो माइनस का फाइव के, आपकी अपनी मर्जी। आप चाहें तो ब्रैकेट को एक साथ ओपन कर दें या पहले साइन से ओपन कर दें फिर आप एक जैसे एक तरफ कर लें, आपकी अपनी मर्जी, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तीन और एक हो जाएगा हमारे पास फोर आई कैप यहाँ से। ठीक है जी, और ये पाँच और दो सात हो जाएगा सेवन जे कैप माइनस माइनस प्लस ओके माइनस का सिक्स के कैप। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा ए प्लस बी वे, ठीक है दिस वन। अब हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव, तो हमने क्या करना है, पहले इसको साइन का खास ख्याल रखना है माइनस वाले में, क्योंकि यहाँ पे साइन चेंज होगी कि कुछ प्लस हैं और कुछ माइनस के हैं। देखो अब मैं इस तरह बता रही थी आपको कि प्लस माइनस माइनस का आई कैप, फिर माइनस का टू जे कैप, माइनस माइनस होके प्लस का फाइव के कैप। अब आप ए वाले आई वाले एक तरफ कर लें और जे वाले एक तरफ और के वाले एक तरफ, थ्री आई कैप माइनस का आई कैप प्लस का फाइव जे कैप माइनस का टू जे कैप माइनस का के कैप और प्लस का फाइव के कैप। हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर माइनस का भी, हाँ थ्री में से बन जाएगा तो बचे हमारे पास यहाँ बचेगा टू आई कैप, ठीक है, और पाँच में दो जाएगा तो बचेगा थ्री जे कैप, और पाँच में से एक चला जाएगा तो बच जाएगा फोर के कैप। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास इसका आंसर ए प्लस बी और ए माइनस बी। अच्छा जी, अब हमें इसका, हम जानते हैं अगर हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो, हम कह रहे हैं कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी है, ये कहना चाह रहे हैं हम यहाँ पे। देखो आप कहेंगे हेयर वी नो दैट, अगर हम यहाँ पर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगाएं, जैसे हमने वहाँ पे कहा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि ए का बी के साथ क्रॉस और फिर उसी की मैग्नीट्यूड, अगर हम यहाँ पे इसको कह रहे हैं कि ये पूरा ए है और उसको कह रहे हैं कि ये पूरा बी, ये मैं आपको स्टार्ट में बताना चाह रही थी कि अब यहाँ पे ए प्लस बी वैक्टर ये पूरा ए है, इसका क्रॉस करना है इसके साथ, इस वाले वैक्टर के साथ, समझें आप। अब यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं कि यहाँ पे ए प्लस बी वेक्टर जो है ये ए है, पूरा ए लगा दें और ये पूरा बी लगा दें, फिर आप करें तो इसको आप ए कहेंगे, फिर इसको बी कहेंगे, फिर इसी की मैग्नीट्यूड ले लेंगे। ये तो आप इस तरह पूरा करके भी लिख सकते हैं, इसी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगी, तो ए प्लस बी वेक्टर हमारे पास आ जाएगा और इसी की हमारे पास ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इन दोनों की हमारे पास क्या आ जाएगी, इसी की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। ठीक है बेटा, अब हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट करने से पहले अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का क्रॉस लेना है। किसका क्रॉस लेना है, अब हमें, मेरे पास तो बोर्ड पर स्पेस ही नहीं है, तो हम एक काम करते हैं, ए को और बी को पहले मैं यहाँ पे साइड पे लिख देती हूँ कि मेरे पास जो ए प्लस बी आया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ अपनी एहतियात के लिए, ताकि अभी मैं सॉल्व करवाऊँगी ना आगे का स्टेप, तो मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फोर आई कैप प्लस का सेवन जे कैप माइनस का सिक्स के कैप, और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेसिकली हमारे पास है टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का फोर। अब इसको मैं ये कह रही हूँ, आप इसको ए और बी करके भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आप चाहें तो उसको ए और बी करके भी कर सकते हैं। ठीक है जी, अब हमें क्या फाइंड करना है, फार्मूला हम यहाँ लिख लेते हैं, बेशक जो हमने यूनिट वेक्टर का भी फार्मूला लिखा वो आप बेशक लिख लीजिए। हमें चाहिए ए प्लस बी का क्रॉस किसके साथ, ए माइनस बी वेक्टर के साथ, और फिर सेम एज इट इज़ इसकी मैग्नीट्यूड, ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है, और इसी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए ऐसे। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर वन है। अब पहले हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर ए वेक्टर का बी वेक्टर के साथ क्या क्रॉस, तो क्या करना पड़ेगा क्रॉस करने के लिए, इन ए वाले के पहले आई कैप जे कैप और के कैप,
अब आई के जो कोफिशेंट है 4, 7, -6, 2, 3 और 4, ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, आई के अब साइड पे रखना है। अब आई का जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है 7, -6, 3, 3 पर 4 यहाँ आ जाएगा, माइनस का जे के, अब जे जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर देंगे, 4, -6, 2 और 4 अब यहाँ पे आ जाएगा, प्लस का के कैप इस रॉज इस कॉलम में आ रहा है 4, 7, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे आ जाएगा आई कैप 7, 4 ज़ार 24 और माइनस माइनस प्लस हो गया 4, 6, 3 ज़ार 18 हो जाएगा यहाँ से, माइनस का जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 में से 4, 4 इंटू 4 16 एंड 12 हो जाएगा, ठीक है जी। प्लस का के कैप 4, 3 ज़ार 12 एंड 7, 2 ज़ार 14 तो हमें 24 और 18 होता है 46, ये 4 और 2 यस 6, 20, 30 और जहाँ सही 46 हो जाएगा आई कैप, और 12, 12, 24 और 4 डाला तो 18। आप लोग भी हाथ से किया करें, कोशिश किया करें, आपको कैलकुलेटर से करके दिखा देते हैं। 24 प्लस 18 यस 40, 20 सही आ रहा है, 46 प्लस 12, 28 सही। 12 में से 12 में से जो है 2 को माइनस कर दो तो माइनस का 2 और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2 के कैप। अब ये हमारे पास क्या आ गया है, ये आया है हमारे पास इनका मैग्नीट्यूड क्रॉस प्रोडक्ट, किसका, ए बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए माइनस बी के साथ, ठीक है ऐसे करके लिख लें, ये आ गया है इसका। अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड भी चाहिए, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड यहाँ निकाल लेते हैं। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या चाहिए हमें, हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है इसी की सेम, ए प्लस बी, ए मल्टीप्लाई लग रहा है आप उसको प्लस करें भाई ऐसे, ए प्लस बी और ए माइनस बी के साथ क्रॉस की मैग्नीट्यूड। तो हमें क्या करना है, आई जे के इनका स्क्वायर ले लेना है, आई 46 है तो 46 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस का 46। अच्छा यहाँ पे देखिएगा आप लोग एक चीज़ नोट भी करें कि यहाँ पे हमारे पास जो है 6, 3 ज़ार 18 था और यहाँ पे 7, 4 ज़ार 24 था, यस 24। अब यहाँ पे आ जाएगा 46 का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इनका आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर, के का स्क्वायर, तो 28 का स्क्वायर माइनस लगा लें बेशक, और यहाँ पे माइनस का 2 का स्क्वायर, ठीक है इसकी मैग्नीट्यूड लेने के लिए। तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 46 का स्क्वायर हमारे पास होगा 2116, 2116, ठीक है, और 28 का स्क्वायर होगा 784 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ठीक है जी। इनको ऐड कर लो, 2116 + 784 + 4, 2904 को मज़ीद सॉल्व करें तो आ रहा है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 6, 22 × √6। मज़ीद इसको आप ब्रेक कर सकते हैं लेकिन आपकी बुक में इतना ज़्यादा नहीं, यही यहीं तक किया हुआ है, इसके आगे किया हुआ नहीं है, लेकिन आप करना चाहें तो कर लें क्योंकि अगर स्क्वायर रूट सॉल्व हो रहा हो तो उसको किया जाता है। पुट इन 1, अब हम इसको भी पुट कर देंगे 1 में और इसको भी पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर, इसमें हमारे पास क्या आया था 46 आई कैप माइनस का 28 जे कैप माइनस का 2 के कैप, ठीक है, और ये आया है हमारे पास 22 × √6। अब इसका मतलब ये सबके नीचे है, ठीक है, तो हम कहेंगे 46 आई कैप डिवाइडेड बाय 22 × √6 माइनस का 28 जे कैप डिवाइडेड बाय 22 √6 माइनस का 2 के कैप डिवाइडेड बाय 22 √6। कटिंग हो रही हो तो काट दो 2 से, देखो 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 11 ज़ा 22 2 1 ज़ा 2 2 11 ज़ा 22। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया, सिंपल 23 आई कैप डिवाइडेड बाय 11 × √6 माइनस का 14 × 11 जे कैप डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा √6 और यहाँ पे के कैप डिवाइडेड बाय 11 × √6। ये आपके पास इसका आंसर आ गया, सेम वैसा ही था, बस यहाँ थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया हुआ था इस तरीके से, ठीक है जी। इसको नोट कर लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा जी, अभी हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गौर कीजिएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है अभी 5। अब फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ
पैरेललोग्राम। ठीक है जी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें फाइंड करना है। दो वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर गिवन है हमारे पास 5i कैप माइनस का j कैप प्लस का 3k कैप, और बी वेक्टर गिवन है i कैप प्लस का k कैप। अच्छा भाई, j यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, अब हम जानते हैं कि जब हमें एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना हो उसका फॉर्मूला क्या होता है, दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड। सिंपल, उन दोनों का क्रॉस लो और उसकी मैग्नीट्यूड ले लो। कितना आसान सा है। तो हम जानते हैं, वी नो दैट, वी नो दैट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है ए वेक्टर और बी वेक्टर के साथ क्रॉस करो और उसकी मैग्नीट्यूड ले। अब सबसे पहले तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे ए क्रॉस बी फाइंड करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा जी, आई जे और के, इनको डिटरमिनेंट फॉर्म में 5 -1 3, आई 1 है, जे 0 है, के 1। ठीक है जी, आई ऐसे रखो, आई जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है इसको स्किप कर दो, माइनस का 1 3 0 1, माइनस का जे कैप, जे जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है इसको स्किप कर दो, प्लस का के कैप, के जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है 5 -1 1 पर 0। तो हमें यहाँ से मिला 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 3 0 ज़ा 0, और 5 1 ज़ा 5 3 1 ज़ा 3, प्लस का के कैप, 5 0 ज़ा 0 माइनस माइनस प्लस 5 1 1 ज़ा 1। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा माइनस का आई कैप, और 5 में 3 जाएगा तो 2 बचेगा। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर, माइनस है ना ये भी, माइनस का सॉरी 3 बजे 2 जाएगा तो प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 5 बड़ा है, तो माइनस का 2j कैप, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास जस्ट k कैप। तो ये तो हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर। ऐसे ही बेटा, यहाँ पे जो मैं नहीं लिख रही होती ना सिर्फ टाइम की इशू की वजह से, आप लोग स्टेप्स सारे लिखा करें जो आप यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ पे कि a का b के साथ क्रॉस कर रहे हैं, तो आपने सारा लाइन से प्रेजेंटेशन से लिखना है इस तरीके से। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमें इसी की मैग्नीट्यूड भी चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड के लिए। आई का स्क्वायर, जे का स्क्वायर और के का स्क्वायर, ए बी सी का स्क्वायर भी आप कह सकते हो। तो आप कहोगे -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और अगेन 1 का स्क्वायर, के 1 है ना। तो हमें मिला 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 1 का स्क्वायर 1, तो ये हो जाएगा 6 square root of 6। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास आई है इसकी का रूट ऑफ, तो यही इसका आंसर है, पुट करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज स्क्वायर रूट ऑफ 6 square unit। ठीक है, ये आपका उसका आंसर आ गया। अब हम कर लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, उनके वर्टिसेस गिवन है, उसको आई जे के की फॉर्म में हम ले लेंगे। अब यहाँ पे हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। ठीक है, ए जो है वो गिवन है 1, 1, 2, इट मीन्स ये आई है, ये जे है और ये के है, इसको लिख भी लो 2, 3 और 5, और सी जो है 1, 5, 5 है। ठीक है जी, तो आप इसको थोड़ा सेट भी कर लो, आप कह दो ये आई वन आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का टू के कैप है, ये आपके पास 2i कैप प्लस का 3j कैप प्लस का 5k कैप है, ये आपके पास जो है वो आई कैप प्लस का 5j कैप, ठीक है, और ये प्लस का 5k कैप है। ठीक है जी, हमने इसको आई जे के की फॉर्म में लिख लिया, कॉम्पोनेंट्स में हमने इस तरीके से इसको। अब जब भी आपको एरिया ऑफ उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, आप लिखें वी नो दैट, वी एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना, डेटा भी बना लीजिएगा, वी नो दैट, सॉल्यूशन गेटिंग तो इधर ही डाल देनी चाहिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला है वो होता है 1/2 इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अच्छा भाई, अब आप कहेंगे मैं सही जगह के लिखते थे, मैं बच्चे बोलेंगे मैं आपको पैरेललोग्राम की स्पेलिंग नहीं आती। ये इस तरह के कमेंट ज़रूर करते हैं, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का कमेंट नहीं करते कि इसमें हमें बहुत अच्छा समझ में आया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का हाफ करना है, या एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जैसे निकालते हैं ना, मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी किया और उसको डिवाइड कर दिया टू से, अगर दो वेक्टर्स गिवेन हो। अब यहाँ पे ये भी चीज़ याद रखनी है, जब भी ट्रायंगल की बारी आएगी तो यहाँ पे हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है, ए बी सी, तीन गिवन, तीन पॉइंट्स है, तीन वर्टिसेस है ना यहाँ पर, आप देखें गौर करें ए बी सी तीन है। अब एरिया ऑफ पैरेलोग्राम आपने देखा था कि ए का बी के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे, क्रॉस करते थे और उसको उसकी मैग्नीट्यूड निकाल देते थे। अब हमें क्या करना पड़ेगा जब तीन होंगे, तो बड़ा आसान फार्मूला है, देखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए को बी के साथ, ए बी वेक्टर का क्रॉस लेना है ए सी वेक्टर के साथ, ठीक है, और उसको उसकी फिर मैग्नीट्यूड ले लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे टू से, ये वन अपॉन टू साइड पे करके लिख लो एक ही बार, ठीक है, उसको आप इक्वेशन नंबर वन कह के छोड़ दो। फर्स्ट वी विल फाइंड आउट, हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है यहाँ पे, फर्स्ट वी फाइंड ए बी क्रॉस ए सी और उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब अगर हमें पहले ए बी निकालना है तो आपको क्या पता था, डिस्टेंस फिर समझ लें, डिस्टेंस ये बी में से ए को माइनस करेंगे ना, तो हम कहेंगे बी वेक्टर में से हम ए वेक्टर को माइनस कर रहे हैं, तो ए बी निकालने के लिए बी में से ए को माइनस करना है, तो बी के वेक्टर्स क्या है हमारे पास, टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस का फाइव, या तो आप इस तरह ना लिखें, ये लिख लें डायरेक्ट बी में से ए को माइनस करो, टू में से बन गया वन बचा, थ्री में से बन गया टू बचा, फाइव में टू गया थ्री बचा, डायरेक्ट करके उन पे कैप आई कैप जे कैप और के कैप के फॉर्म में लगा लें, नहीं तो प्रेजेंटेशन से पूरा पूरा लिख लें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है जी, आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखिएगा ए बी निकालने जा रहे हैं, पहले हम टू में से वन को माइनस किया तो यहाँ पे बचा आई कैप, तीन में यहाँ से हमें से जे को माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस का टू जे कैप, ठीक है, और पाँच में से दो को माइनस किया तो हमारे पास आ गया प्लस का थ्री के कैप, ठीक है, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे इसको निकाल लिया। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें यहाँ पे फाइंड करना है ए सी वेक्टर, ए सी के लिए क्या करेंगे, सी वेक्टर में से ए को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो सी वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैप प्लस का फाइव जे कैप प्लस फाइव के कैप, और माइनस का ए वेक्टर आपके पास है आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का टू के कैप, ठीक है, तो वन में से वन को माइनस करो तो क्या आता है, ज़ीरो आता है ना, वन में से वन को माइनस करेंगे तो ज़ीरो आई कैप, और यहाँ से आ जाएगा फोर में से वन, फाइव में से वन को माइनस किया तो माइनस का फोर प्लस का फोर जे कैप, और पाँच में से दो गया तो तीन, तो प्लस का थ्री के कैप, ये भी हमारे पास आ गया यहाँ पे ए सी। अब हमें क्या करना है, ए बी आ गया और अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है, सॉरी क्रॉस करना है, पहले क्रॉस करेंगे और फिर हम इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है। अब क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अभी ए है और ये ए बी है और ये ए सी है, इनके जो है वो हमें उठा डिटर्मिनेंट फॉर्म में लेना पड़ेगा और उसी तरीके जिस तरह हम फॉलो करते हुए आए, तो यहाँ से मैं इतनी चीज़ मिटा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है, इस चीज़ को, तो हम यहाँ पर इसको कर लेते हैं, यहाँ पर स्पेस बना के अपना थोड़ा सा, ठीक है जी, ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ए बी के साथ हम सब क्रॉस कर लेंगे ए सी का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी वेक्टर का क्रॉस करने जा रहे हैं हम ए सी के साथ, ठीक है, तो हम कैसे करते हैं आप सबको पता है, यहाँ पे हम कहते हैं आई कैप जे कैप और यहाँ पे आ जाएगा के कैप, तो आई कैप के हमारे पास ये जो कोफिशेंट हैं सॉरी कॉन्स्टेंट्स हैं वो हम उठा लेंगे, आई कैप देखो यहाँ पे ये ए बी वाला है ना, तो ए बी वैक्टर दिस वन, तो ये हो जाएगा वन टू थ्री, और ए सी के लिए हमारे पास क्या है ज़ीरो फोर और थ्री। अब आई कैप में जिस रॉ और जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग एलिमेंट्स हम सारे उठा लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से टू थ्री फोर थ्री, ठीक है, फिर माइनस फार्मूला का जे कैप, अब जे जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है इसको स्किप कर दो वन थ्री ज़ीरो थ्री, नेक्स्ट देख लो प्लस का के कैप, अब के जो है जिस रॉ और जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप करके रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख दो वन टू ज़ीरो फोर, ये एलिमेंट्स एंट्रीज को ही कह रही हूँ मैं बार बार, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाएगा टू थ्री ज़ा सिक्स एंड फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व, माइनस का ट्वेल्व माइनस का जे कैप, वन थ्री ज़ा थ्री, थ्री ज़ीरो ज़ा ज़ीरो प्लस का के कैप, हमें मिला फोर वन ज़ा फोर, टू ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। अच्छा अभी बारह में से छः गया, माइनस का सिक्स माइनस का, डायरेक्ट देखो ब्रैकेट भी ओपन कर लेंगे और लिख भी देंगे सिक्स आई कैप, और थ्री में से ज़ीरो जाएगा तो थ्री बचेगा तो माइनस का थ्री जे कैप,
हमें यहाँ से मिला प्लस का 4 के कैप। ठीक है, अब ये तो हमारे पास जो आंसर आया बेसिकली, यहाँ थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, स्पेस का इशू है मेरे पास, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर, ए बी का ए सी के साथ हमने यहाँ पे सिर्फ क्या लिया, क्रॉस लिया है, ये क्रॉस का आंसर है। सही से करके लिख देते हैं इसको, देखें ऐसे ए बी वेक्टर का ए सी के साथ क्रॉस। अब हमें क्या लेना है, इसकी मैग्नीट्यूड लेनी है, क्योंकि हमारे पास फार्मूला में इसकी मैग्नीट्यूड पूछी गई, फिर डिवाइड किया गया 2 से। अब हम जब इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर की मैग्नीट्यूड, इट मीन्स ये आई वाले का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस जे का स्क्वायर, यहाँ पे 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा के वाला 4 का स्क्वायर। तो हमें क्या मिला, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 39 एंड 9 प्लस 16, तो उठाएं कैलकुलेटर, साथ साथ सॉल्व किया करें मेरे, प्लस 16, तो हमें मिला यहाँ से 61, स्क्वायर रूट ऑफ 61। अब हम इसको कर देते हैं पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ये 1 था ना यहाँ पे, तो इस पर हम पुट करने जा रहे हैं, जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ पे आया स्क्वायर रूट ऑफ 61 डिवाइडेड बाय 2, तो यही हमारे पास इसका आंसर है। सॉल्व नहीं होगा, आगे लिख दीजिएगा स्क्वायर यूनिट और इसको एक बॉक्स में कर दीजिएगा बंद। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी कर ली है, हम क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 भी कर लेते हैं। 6 तक हम कर चुके हैं, हम क्वेश्चन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा जा रहा है, देखें जी, अब बेसिकली यहाँ पे लॉ लग रहा है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक वेक्टर गिवन है, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है। अब कहता है वेरीफाई करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 वेरीफाई करना है आपको यहाँ पे कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल, आपने ये चीज़ प्रूव करनी है यहाँ पे, ठीक है। बी क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस, या ब्रैकेट लगा लें, कोई इशू नहीं है इस तरह, ताकि थोड़ी सी आपको आसानी हो जाए, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास ए वेक्टर प्लस क्रॉस सी सॉरी सी वेक्टर। देखो बेटा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना, अगर हम ए को बी से क्रॉस करें और फिर बी ए को सी से करें और बीच में देखें एडिशन हो रही, तो ये आपके पास कौन सा लॉ है, ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है जी, ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अगर इन केस अगर आपको ये ना भी आए, लिखा हुआ वर्डिंग ना आए, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कह रहा है और 3 वेक्टर्स गिवन है, तो आपने उसको इसी तरीके से टैकल करना है, ठीक है जी। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आप इसको टैकल कर लेंगे। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन है यहाँ पर, या पहले ले लें टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ इक्वल टू ए इंटू ए क्रॉस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं अपनी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है जी। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास ए वेक्टर भी चाहिए, हमें बी वेक्टर भी और सी वेक्टर भी। तो हमारे पास ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर आपके पास है यहाँ पर, अपनी बुक देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है ताकि टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा, 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप। इसमें बी वेक्टर आपके पास है आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप, और जो सी वेक्टर गिवन है वो हमारे पास है माइनस का आई कैप प्लस का 7j कैप सॉरी हाँ यस प्लस 5j कैप प्लस k कैप, ठीक है जी। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले प्रूफ कर लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास है कि हमें जो है एक काम करते हैं, इस लाइन को थोड़ा सा इधर कर दीजिएगा ताकि राइट साइड में इस तरफ कर सकूँ, और एक ही बोर्ड पर मैं दोनों क्वेश्चन को आपको बता दूँ यहाँ पर टैकल कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पहले देखो सेम एज इट इज़, और कुछ भी नहीं करना, इसी फॉर्म में आपने इसको कॉपी कर देना है। ए वेक्टर क्या है आपके पास, 2i कैप प्लस का जे कैप प्लस का 7k कैप क्रॉस। अब बी वेक्टर क्या है आपके पास, आई कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 5k कैप। अब डिटर्मिनेंट लेंगे बाद में, पहले आप इसको सॉल्व कर लें। प्लस सी क्या है हमारे पास, माइनस का आई कैप प्लस का 5j कैप प्लस का k कैप, ठीक है जी। पहले हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, तो 2i कैप प्लस जे कैप प्लस 7k कैप ऐसे ही रहेगा क्रॉस। इसको सॉल्व कर लें, इस वाले प्लस से आप पूरी ब्रैकेट को ओपन भी कर सकते हैं, नहीं तो आप साथ साथ कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस का आई कैप पॉजिटिव आई कैप से कैंसिल। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप इस तरीके सबसे पहले अपनी ब्रैकेट को
को ओपन कर ले, माइनस का आई कैप प्लस 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 फाइव जे कैप प्लस का के कैप। तो हमें क्या हुआ, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से कैंसिल हो गया, सिंपल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस सेवन के कैप। आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में रखें इस तरह क्रॉस। अब यहाँ माइनस का थ्री जे कैप है और यहाँ पे प्लस का फाइव है, तो फाइव में थ्री माइनस करो तो टू जे कैप, और पाँच में से एक गया तो चार, फाइव और वन सिक्स हो जाएगा, सॉरी सिक्स के कैप। तो अब हमारे पास यहाँ क्रॉस करना है, डिटर्मिनेंट लेना है अब हमें इसका। तो आप लेंगे ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर। अब हमें यहाँ पे इसका आई कैप के कंपोनेंट्स लिख लो आई जे के। अब फर्स्ट वाला जो है इसका टू है आई, जे वन है, सेवन के में हमारे पास आई ज़ीरो है, टू जे है और के सिक्स है, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना होता है, यहाँ पे आई जिस रॉ जिस कॉलम में जो है इन्वॉल्व है उसको हम स्किप कर देंगे, एक्सपेंडिंग बाय रॉस कर रहे हैं ना, आप लिख भी सकते हैं कि एक्सपेंडिंग बाय रॉस, एक्सपेंडिंग बाय रॉस। अब देखो भाई, अब यहाँ पे फर्स्ट वाला आई कैप, देखो भाई आई कैप जिसमें जिस रॉड जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर देंगे और रिमेनिंग वन सेवन टू सिक्स, ठीक है जी। फिर माइनस का जे के फार्मूला का माइनस होता है आप सबको पता है, स्किप कर दीजिए टू सेवन ज़ीरो सिक्स। प्लस के कैप, तो के वाला जिस रॉड जिस कॉलम में इन्वॉल्व है स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख देंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ से आई कैप सिक्स वन ज़ा सिक्स, सेवन टू ज़ार फोर्टीन, माइनस का फोर्टीन, माइनस का जे कैप टू सिक्स ज़ार ट्वेल्व, सेवन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो, प्लस का के कैप टू टू ज़ा फोर एंड वन ज़ीरो ज़ा ज़ीरो। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा फोर्टीन में से सिक्स को माइनस कर दूँ तो माइनस का एट, माइनस का जे कैप और यहाँ से ट्वेल्व हो जाएगा सिंपल, और यहाँ से फोर। अगर आप चाहते तो एक स्टेप में इसको स्किप कर सकते थे, कैसे इस तरह की कहानी आए डायरेक्ट किया करें, फोर्टीन में सिक्स को माइनस किया माइनस का एट और आई तब लिखते हैं माइनस का एट आई कैप। अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, थोड़ी चीज़ों को स्किप करना सीखें। 12 में से जीरो गया, 12 बचा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 12 में से जो है अब तो कुछ माइनस ही नहीं करना, डायरेक्ट जस्ट माइनस का 12 जी गया। साइन का ख्याल रखते हुए ओपन कीजिएगा। 4 में से जीरो गया तो 4 बचा और यहाँ से आ जाएगा प्लस का 4 के। अब हमने यहाँ पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड जो है कर ली है, अब हम कर लेते हैं टेकिंग राइट हैंड साइड। टेकिंग आप इस वाली लाइन को थोड़ा सा इधर लिख लीजिएगा, यहाँ मैं लिख चुकी हूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप इसको इधर लिख लीजिएगा जैसे मैं लिख देती हूँ, चले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। ए क्रॉस बी प्लस सी वेक्टर, ये हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। अब टेकिंग राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, कि हमें पहले ए क्रॉस बी करना है, देन फर्द बाद में हमें ए क्रॉस सी करना है, उसको फिर ऐड करना है, इसको बंद करके छोड़ दें। फर्स्ट वी विल फाइंड ए क्रॉस बी, पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, ठीक है। ए क्रॉस बी करने के लिए डिटर्मिनेंट लेंगे आई जे के, ठीक है। अब आई फर्स्ट वाला वही रहेगा, ए वाला क्या है हमारे पास, टू ए के टू, जे में वन और सेवन, और बी वाले में हमारे पास वन, माइनस का थ्री और फाइव, ठीक है जी। वही एक्सपेंडिंग बाय रॉस करके ही हम फाइंड करेंगे, जैसे कि अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, उसी तरीके से हमें इसको भी करना है, ठीक है जी। तो यहाँ से आ जाएगा आई कैप, देखो जब हम ए और बी का कर रहे होंगे ना सेम एज इट इज़, हमें उसी वाले को फॉलो करना होगा। चलो भी स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। अब आई जहाँ इन्वॉल्व है उसको स्किप कर दो, वन सेवन, माइनस का थ्री फाइव, ठीक है, माइनस का जे टू सेवन वन फाइव, के जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको स्किप कर दें टू वन एंड माइनस का थ्री, ठीक है, उसको स्किप कर देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा माइनस का आई कैप, सॉरी पॉजिटिव आई कैप, फाइव वन ज़ा फाइव, माइनस माइनस का सेवन थ्री ज़ार ट्वेंटी वन, माइनस का जे कैप सेवन फाइव टू ज़ार टेन, सेवन वन ज़ा सेवन, प्लस का के कैप टू थ्री ज़ा सिक्स, माइनस का थ्री और वन वन ज़ा वन पॉजिटिव वन, ठीक है, नेगेटिव वन, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए वन वन ज़ा फार्मूला का माइनस होता है, ठीक है जी। 21 और 5 हमारे पास होता है 26, तो 27 6 आई कैप, 10 में से 7 किया तो हमारे पास 3 बचा, और यहाँ पे पॉजिटिव 3 है ये माइनस का 3 जे कैप, और यहाँ से हमारे पास जैसे माइनस माइनस प्लस होके माइनस का 7 देगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 7 के कैप, ठीक है। तो यहाँ से आपने फार्मूला को ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया, बार वाली साइन को भी ओपन कर लिया। अब हमने ये तो किया है ए क्रॉस बी, अब हम कर लेंगे यहाँ पे ए क्रॉस सी,
आप वर्डिंग में भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ए सी करेंगे तो ए आई के कंपोनेंट्स, जे के कंपोनेंट्स एंड के कंपोनेंट्स। तो आई के तो वही रहेंगे, ए वाले के 217 और यहाँ पे सी वाले के आ जाएंगे जो कि माइनस का 1, 5 और 1 है, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, सेम एज इट इज़ वही आई जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स, माइनस का जे जे जिस रॉ जिस कॉलम में इन्वॉल्व है उसको स्किप करके बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह तो आप लोगों की जगह थर्ड चैप्टर बहुत अच्छा आ गया होगा। 2 1 माइनस का 5 माइनस का 1 और 5, ठीक है जी। चलें जी, यहाँ से आ जाएगा आई कैप, तो हम कहेंगे 1 1 7 5 35 माइनस का 35 माइनस का जे कैप 2 1 2 माइनस माइनस प्लस 7 1 7। जो अगर एक में भी एलिमेंट में माइनस मतलब एंट्री में जो है माइनस वन माइनस आ रहा हो तो वो माइनस जो है फार्मूला वाले माइनस से जो है वो प्लस हो जाता है, ठीक है। ये तो आपको पता है 2 5 10 देखो माइनस होता है 1 1 7 माइनस का 1, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर देगा, ठीक है। तो हमें 35 में से 1 गया तो माइनस का 34 आई कैप, 7 और 2 9 होता है माइनस का 9 जे कैप, और यहाँ से 10 1 11 प्लस 11 का जे कैप। अब इनको हम कर देंगे पुट इन 1, इसको भी और इसको भी पुट इन 1, ये ऑल द वैल्यूज़ अभी लिख भी सकते हैं। अगर आप यहाँ नहीं लिखना चाहते हैं यहाँ पे ये, तो आप इसको अपनी वर्डिंग में कुछ भी लिख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ दी वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी पुट इन 1, इस तरह करके भी आप लिख सकते हैं। अब हम 1 में पुट कर देंगे इस वाले में, ठीक है जी। अब यहाँ से आप लोग इसको मिटाएं, फिर हम देखें लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है कि नहीं आती, ठीक है जी। अब मैं 1 में पुट करने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ से ये वाला हिस्सा मिटा रही हूँ ताकि वैल्यूज आएगी तो बाद में फिर हम इसको देख लेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी, अब ए क्रॉस बी हमारे पास क्या आया था, ट्वेंटी सिक्स आई कैप माइनस का 3 जे कैप माइनस का 7 के कैप, ठीक है जी। प्लस और ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर जो हमारे पास आया था यहाँ मिटा चुकी हूँ, माइनस का 34 आई कैप माइनस का 9 जे कैप और प्लस 11 का के कैप, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को अभी हमें ऐड करना है सिंपल, तो ये हो जाएगा 27 आई कैप माइनस का 3j कैप माइनस का 7k कैप, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का 34 आई कैप, ठीक है जी। प्लस माइनस 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 का 9j कैप और प्लस का 11k कैप, ठीक है जी। अब आई वाले का आई के साथ टैकल कर लो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ से हमारे पास 34 में से 26 को माइनस करो तो माइनस का 8 आई कैप, और यहाँ माइनस का 3j है और ये 9j, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 12j कैप, और ये प्लस है माइनस 11 में 7 को माइनस करो तो 4, तो प्लस का 4k कैप। देखें दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है, तो हमने प्रूव कर दिया है यहाँ पे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, प्रूव दैट, ठीक है जी। इसको नोट कीजिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है, बुक को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ कह रहे हैं यूजिंग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड द एंगल बिटवीन ए दिस एंड दिस, दो वेक्टर्स गिवन हैं और हमें क्या करना है इसका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। यूजिंग क्रॉस सॉरी का इस्तेमाल करते हुए हमें एंगल फाइंड करना है कि बिटवीन एंगल क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर एग्जाम्पल लेट कर लें कि ए वेक्टर फर्स्ट वाला वेक्टर जो है ए है आई कैप माइनस का 7j कैप प्लस का 7k कैप, और दूसरा वेक्टर बी है जो कि हमें मिला 3i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का 2k कैप। यहाँ पर समझ में आया। अब हमें बेसिकली इनके दरमियान जो है वो क्या फाइंड करना है, हमें इनके दरमियान बेसिकली एंगल को फाइंड करना है, ठीक है जी। तो एंगल फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला पता होना चाहिए, क्या फाइंड करना है एंगल फाइंड करना है, ठीक है जी। और बात किसकी और हो रही है, क्रॉस की बात हो रही है, तो साइन वाला फॉर्मूला लगेगा। तो वी नो दैट, हम जानते हैं साइन थीटा बराबर है हमारे पास दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड, मतलब ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट और उसकी मैग्नीट्यूड, ठीक है, और डिवाइडेड बाय
ए मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये हमारे पास फार्मूला होता है। अब हमने इसको वन इसलिए कहा है क्योंकि हमारे पास ए क्रॉस बी नहीं है और ना इनकी मैग्नीट्यूड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम करेंगे फाइंड, फर्स्ट वी फाइंड ए इंटू बी वेक्टर, पहले इन दोनों का क्रॉस ले लेंगे। तो क्रॉस लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, ऐसे ही है। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है। तो आई बार फर्स्ट वाला है वन माइनस सेवन की कोफिशिएंट उठा लीजिए, सेवन थ्री माइनस का टू और टू, तो हमें यहाँ से क्या मिला। अच्छा बेटा, काफ़ी दिन बाद मैंने वीडियो स्किप कर दिया था, कुछ क्वेश्चंस किए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अपलोड नहीं कर पाई, थोड़ा सा मैं आज मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बोलने में भी गले में दर्द है तो मैनेज कर लें। तो आज एक्सरसाइज मैंने तब की थी जब मेरे बहुत एनर्जी थी, तो इस वजह से भी थोड़ा सा जो है गैप आ गया, नहीं तो ये मैं टाइम पर अपलोड कर देती लेक्चर, ठीक है बेटे। अब आई जहाँ पर इन्वॉल्व है उसको स्किप कर देंगे, आप सबको पता है, ठीक है, और बाकी रिमेनिंग लिख देंगे। तो आ जाएगा माइनस का सेवन सेवन माइनस का टू टू, तो मैंने कहा थोड़ी सी हिम्मत करके मैं इसको भी अपलोड कर दूँ, दो ही सवाल रह गए थे दो तीन इसके, वन सेवन थ्री टू प्लस का के कैप, तो के जिस रॉ जिस कॉलम में आ रहा है उसको हम स्किप कर देंगे और रिमेनिंग लिख देंगे उसी तरीके से होगा, ठीक है। सेवन टू ज़ा फोर्टीन माइनस का फोर्टीन, टू सेवन ज़ा फोर्टीन, हमारा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का फोर्टीन कैंसिल भी हो जाएगा बाद में, टू वन ज़ा टू, थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन माइनस का ट्वेंटी वन प्लस का के कैप, टू वन ज़ा टू माइनस का टू और थ्री सेवन ज़ा ट्वेंटी वन, ठीक है। लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास जीरो आ गया, जीरो आई कैप, ट्वेंटी वन में से टू को माइनस किया तो माइनस का नाइनटीन और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस नाइनटीन जे कैप, इक्कीस में से दो गया तो उन्नीस बचा प्लस का नाइनटीन के कैप, ठीक है जी। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, नाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी वेक्टर, अब हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। तो इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें वही ए आई का स्क्वायर बी का बी कंपोनेंट का स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई का स्क्वायर जीरो है तो उसको स्किप कर देते हैं, या आप लिख भी लीजिए ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर और सी का स्क्वायर, या आई जे के जिस तरह आपको समझ में आए, ठीक है। तो जीरो का स्क्वायर जीरो, नाइनटीन का स्क्वायर हमारे पास थ्री सिक्सटी वन और यहाँ भी नाइनटीन का स्क्वायर थ्री सिक्सटी वन, तो हमें 361 और 361 को ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 722 और इसको मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी। ये तो हमें मिल गया यहाँ पे ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड। अब हमें ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड को भी अलग अलग फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पर ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालने के लिए ए वेक्टर जो गिवन है उसमें ए का स्क्वायर वन का स्क्वायर प्लस माइनस सेवन का स्क्वायर और अगेन सेवन का स्क्वायर, तो हमें वन का स्क्वायर वन मिला, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन, अगेन सेवन का स्क्वायर हमें मिला फोर्टी नाइन, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ फोर्टी नाइन, ठीक है। फोर्टी नाइन और वन फिफ्टी हो जाएगा, फिफ्टी में जब हम मिलाएंगे वन को तो हमारे पास आ जाएगा नाइन्टी नाइन, देखें ना भाई, फोर्टी नाइन वन फिफ्टी हो गया, फिफ्टी में फोर्टी नाइन को प्लस किया तो वन कम हो जाएगा ना हंड्रेड में से, कॉमन सेंस की बात है। छोटी छोटी चीज़ों को कैलकुलेटर से करना ज़रूरी नहीं होता, थोड़ा दिमाग से चलाया करें। मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं थ्री इंटू स्क्वायर रूट ऑफ इलेवन, ठीक है जी। अब हम बी वैक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, बी की भी ऐसे निकालेंगे, यहाँ से आ जाएगा थ्री का स्क्वायर माइनस का टू स्क्वायर और अगेन टू का स्क्वायर, ठीक है। तो थ्री का स्क्वायर नाइन, टू का स्क्वायर फोर, अगेन टू का स्क्वायर फोर, चार और चार आठ और आठ और नौ हमारे पास हो जाएगा सेवनटीन, तो स्क्वायर रूट ऑफ सेवनटीन, तो हमें बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी मिल गई स्क्वायर रूट ऑफ सेवन। इन दोनों को कर देते हैं पुट इन वन, वन में तमाम वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, ऑल द वैल्यूज़ ऑफ या पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ इक्वेशन नंबर वन, ये वन जो भी आपको समझ में आए इस तरह लिख दें, पुटिंग इन वन, ठीक है जी। वन में पुट करने जा रहे हैं तो वन का रेफरेंस दे दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा और ए क्रॉस बी वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या आई है हमारे पास, जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ए और बी वेक्टर की अलग अलग आई है 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 और यहाँ पर आई है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 17, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेटर उठाते हैं, 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 करना चाहें, अब इसको पहले सॉल्व कर लें,
या ब्रैकेट में रख के सबको सॉल्व कर दें। ठीक है जी। ठीक बेटा, अब हम सिंपल यहाँ पे 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 रखेंगे, 19 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 26.8 आया, फिर हमने डिवाइड किया 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17, एक ही साथ रख के हमने डिवाइड कर दिया, तो हमें मिला 0.6549। ठीक है, अब हम इसको अगर हमें एंगल फाइंड करना है तो थीटा इधर, ये साइन इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 0.6549। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्रेस करेंगे और साइन प्रेस करेंगे, साइन इनवर्स हो जाएगा 0.6549, तो हमें मिल जाएगा 40.91। तो अभी 40.9 का मतलब क्या है, राउंड ऑफ कर दो तो 41 ही समथिंग आ रहा है। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी, आप इस तरह भी कर सकते हैं, राउंड ऑफ करके 41 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास जो एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 41 डिग्री। ठीक है जी, कैलकुलेटर का ध्यान रखा करें, रेडियन में कैसे किया जाता है आपको बता भी देती हूँ। देखिए, आप शिफ्ट प्रेस करके, बच्चों को वाजा पता नहीं होता, मॉड प्रेस करेंगे तो देखें यहाँ पे 3 पे डिग्री लिखा हुआ है, 4 में रेडियन लिखा हुआ है। अब आप अपने कैलकुलेटर को 3 पे करेंगे तो आपका कैलकुलेटर रेडियन पे चला जाएगा। अगर आप अपने कैलकुलेटर को जो है वो उसमें क्या कहते हैं उस पर करना चाहते हैं, डिग्री में करना चाहते हैं, जो चीज़ लिखी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आपने करना है। ठीक है, 4 है 4 प्रेस कर दें, 3 है तो डिग्री और रेडियन लिखा होता है, इसी का काम होता है, बाकी सब आप लोगों को अलहमदिल्ला मैं प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छा सा गाइड कर चुकी हूँ। अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा जा रहा है, फाइंड द मोमेंट। अब हमें यहाँ पे अपने क्वेश्चन नंबर 9 में मोमेंट फाइंड करनी है। ठीक है जी, गिवन वेक्टर्स की। चले भाई, आ जाते हैं, इनको स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेक्टर्स गिवन है। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में ए वैक्टर ए है और दूसरा बी है। देखो, ए पॉइंट, अच्छा मोमेंट, फाइंड द मोमेंट अबाउट द पॉइंट्स है 1, 3, 5 और सेकंड वाला पॉइंट बी पॉइंट है वो हमें मिला 3, 2 एंड 5 माइनस के 2 पे 5। ठीक है जी, और फोर्स भी गिवन है, जो वेक्टर हम आई कैप प्लस का 2j कैप माइनस का k कैप। अब हमें बेसिकली यहाँ पे मूवमेंट फाइंड करनी है, इसको आप आर से लिख लें जिस तरह आपको समझ में आए। अब हमें पता है, हम जानते हैं, वी नो दैट वी हैव टू मूवमेंट। अगर हम मोमेंट फाइंड करें तो उसका फार्मूला हमारे पास होता है आर वेक्टर इनटू फोर्स। अब यहाँ पे देखें बेटा, सबसे पहले तो आपको ये वाला आर गिवन नहीं है। अगर आर गिवन होता, ठीक है, तो हम आराम से इसमें पुट करते और अपना मोमेंट निकाल लेते। अभी आर बेसिकली इसीलिए फाइंड करना है क्योंकि ये ए और बी पॉइंट जो मिले हम इसके थ्रू करेंगे। अगर मैं आर वेक्टर को यहाँ पे कह दूँ, बेसिकली ये ए बी वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो अब हमें अगर आर निकालना है मोमेंट, तो हम बी माइनस ए करके निकालेंगे ना, तो ए बी वेक्टर में से ए वेक्टर को माइनस करके निकालेंगे। तो हमारे पास बी वेक्टर क्या है, 3i कैप। आप चाहो तो उसको आई जे के फॉर्म में भी लिख सकते हो, 3i कैप माइनस का, अच्छा बी हमारे पास है माइनस का 2j कैप और प्लस का 5k कैप। इसी तरीके से ए हमारे पास है आई कैप प्लस का 3j कैप और प्लस का 5k कैप। तो ये 3i कैप ऐसा ही रहा, माइनस का 2j कैप ऐसे ही रहा, प्लस का 5k ऐसे रहा, माइनस का i कैप माइनस का 3j कैप और माइनस का 5k कैप। तो प्लस वाला माइनस ये तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है जी, हमें यहाँ से क्या मिला, 3 में से 2 गया 1 गया, तो 2i कैप और माइनस माइनस होके प्लस होके माइनस का 5j कैप। अब ये इसको हम 1 भी कह सकते हैं, 1 कह दिया। अब हम इसको पुट कर देते हैं 1 में, पुट इन 1, क्योंकि आर नहीं था ना हमारे पास, हमने इसको पुट कर देंगे तो हमारे पास हमारा मोमेंट निकल आएगा। ठीक है जी, तो आया क्या है हमारे पास, 2i कैप माइनस का 5j कैप। ठीक है, इसको हमें क्रॉस करना है किसके साथ, एफ। एफ वेक्टर क्या है हमारे पास, i कैप प्लस का 2j कैप और माइनस का k कैप। अब 2 वेक्टर्स के दरमियान जब हमें क्रॉस करना होगा तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसका बेटे, इसका डिटरमिनेंट लेना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस की बात है। तो हम इसका डिटरमिनेंट ले लेते हैं, तो देखो यहाँ ले लो, डिटरमिनेंट लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आई कैप जे कैप और के कैप, इनके कंपोनेंट्स को अलग अलग करना पड़ेगा। फर्स्ट वाला आई है 2j माइनस का 5k नहीं है, तो हम k को 0 कंसीडर करेंगे, यहाँ से 1, यहाँ से 2 और यहाँ से माइनस का 1। ठीक है,
तो आई गैप जहाँ पे इन्वॉल्व, नेक्स्ट स्टेप यहाँ कर रही हो, ठीक है, मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया है। आई गैप जहाँ इन्वॉल्व है उसको स्किप कर दो, माइनस का 5 0 टू माइनस का 1 और माइनस का जे कैप इन्वॉल्व 2 0 1 एंड माइनस का 1, ठीक है जी, प्लस का के कैप, तो ये हो जाएगा 2 माइनस का 5 1 एंड 2। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 5 1 5 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, 2 0 0, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से 0। आगे आ जाइए, माइनस का जे कैप 2 1 2 माइनस का 2 1 0 0, सेम एज 2 2 4 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये माइनस का 5 था, तो 5 1 5 माइनस माइनस प्लस होकर पॉजिटिव 5 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब हमारे पास 5 प्लस 9, यहाँ देखो 5 1 0 का तो 5 ही बजा, 5 5 कैप, यहाँ माइनस माइनस प्लस होकर 2 j कैप, अच्छा देखो 2 में से 0 का तो माइनस का 2 है ना, ये माइनस, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास 1 मिनट 2 1 2 आना था ना, यहाँ पे मैं देख भी लेती हूँ कि माइनस का तो नहीं है, 2 इन 2 1 माइनस का 2, यस। तो अब यहाँ पे हमारे पास देख भी लें, मैंने कहा कंप्यूटर में कोई इशू तो नहीं हो रहा, लेकिन मैं दोबारा देख लेती हूँ एक दफ़ा कि यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 माइनस का 3 j और माइनस का, तो यहाँ माइनस माइनस होकर प्लस का, यस माइनस का 5 आना था, तो माइनस का 5 और 2 बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास 1 i और 2 j, मैं इधर देख लेती हूँ, मुझे थोड़ी मिस्टेक लग रही है ताकि इधर ही क्लियर हो जाए, प्लस का 5 1 माइनस का के बिल्कुल ठीक, ठीक है जी। अब हमने i वाला जो है लिया, यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस का 5 और 0 और 1 2 एंड माइनस का 1 बिल्कुल ठीक। i इन्वॉल्व था तो हमने i को स्किप किया, 5 माइनस 0 बिल्कुल ठीक है। j वाला हमारे पास किया तो यहाँ से 2 0 1 माइनस 1 ठीक है। k वाला हमारे पास किया तो 2 माइनस का 5 और 1 पर 2 बिल्कुल ठीक है। तो 5 1 5 माइनस का 5 पॉजिटिव हो गया, बिल्कुल ठीक है। 2 इंटू 1 माइनस का 2 2 0 0 ठीक है। 2 इंटू 2 4 एंड 5 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है जी जनाब। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर देखें तो ये हो जाएगा माइनस है ना, तो ये माइनस माइनस होकर प्लस का 2 देगा, ठीक है जी, और ये 4 9 9 का 4 9 कर देगा, बिल्कुल ठीक। चले जी आगे कर लेते हैं। अब हमारे पास जो हमारी मोमेंट आई है बेसिकली यहाँ पर आई है वेक्टर की 5 i कैप माइनस प्लस का 2 j कैप और प्लस का 9 k कैप। आप इसको देख लीजिएगा, साइन अगर बुक में माइनस आ रही है तो रॉन्ग है, तरीका मैंने आपको बताया यही है, इसी तरीके से होगा, ठीक है जी, इसलिए मैंने कंफर्म भी कर दिया। हाँ, अपना क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और फिर हम अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, इफ़ यू अप्लाई 40 न्यूटन फोर्स टू द एंड ऑफ 0.6 मीटर रेंच एट द एंगल 110 डिग्री, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट प्रोड्यूस अप्लाई द फोर्स। देखिए भाई, सबसे पहले गिवन क्या है हमारे पास, जो अप्लाई फोर्स है, ठीक है, वो हमारे पास है 40 न्यूटन, ठीक है, यूनिट भी लगाइए। लेंथ ऑफ रेंच जो हमारे पास गिवन है, लेंथ एंच की लेंथ ऑफ रेंच वो हमारे पास है कितनी दी गई है, 0.3 मीटर, ठीक है। अब हमें बेसिकली अपना एंगल फाइंड करना, एंगल सॉरी 110 दिया गया है, बिल्कुल 10 डिग्री दिया गया, हमें मोमेंट फाइंड करना है। सेम अभी जो सवाल हमने किया उसी तरीके से होगा, हमें अपनी मोमेंट फाइंड करनी है यहाँ पे भी। तो मोमेंट का फार्मूला हमारे पास क्या है, अभी मैंने आपको बताया कि आर वेक्टर और हमारे पास फोर्स, ठीक है जी। अब आर की, आर तो हमारे पास गिवन नहीं है यहाँ पर, नहीं है ना। अब यहाँ पे जब इस तरीके से कोई आ जाएगा और एंगल बीच में आएगा तो फिर हम क्या लेंगे, फिर हमारे पास थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब भी बात आ जाएगी ना एंगल की, इसमें एंगल इन्वॉल्व होगा, पहले एंगल इन्वॉल्व नहीं था ना, अब यहाँ पे हमारे पास हमारा जो है ना वो एंगल इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे, फिर उसी की मैग्नीट्यूड ले लेंगे, थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड गिवन वेक्टर आर और गिवन फोर्स की मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, ये थोड़ा सा हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूले के अंदर हम इसको पुट कर देंगे, तो आर क्या है हमारे पास 0.3, फोर्स है 40 न्यूटन और इनटू साइन जो है एंगल कितना है 110। तो आप एक काम कर लीजिए, साइन 110 कर देखें क्या आता है, साइन थीटा 110,
तो हमें मिला 0.9390। ठीक है, तो 0.3 × 40 ऐसी रखा। ये चाहे तो आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वो भी कर लेते हैं। पहले हमें लिखते हैं साइन वन एंड टेन कितना आया हमारे पास, 0.9396 और 0.3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए 40 के साथ, तो 12 आ रहा है। अब अगेन 12 को मल्टीप्लाई करते हैं 0.9396 के साथ, तो हमारे पास आ रहा है 11.276। ये सेक्शन बी में इस तरह के ऑप्शन छोटे छोटे जो डिस्क्रिप्शन में होते हैं ना, ऐसे जो है वो वर्डिंग में होते हैं, तो उसमें आने के चांसेस होते हैं। तो न्यूटन, अब उसका वो न्यूटन मीटर, इसका आप यूनिट भी लगाएंगे, तो दिस इज़ द मैग्नीट्यूड यूनिट ऑफ अ मोमेंट। ठीक है, तो आप लिखें द मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड फाइंड करनी थी मोमेंट की। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंट प्रोड्यूस बाय अप्लाइड फोर्स इज 11.276 न्यूटन मीटर। ठीक है जी, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआ में स्थानी जी को याद रखें। बस यही था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड गिवन थी तो हमने इसका मैग्नीट्यूड निकाला, इसका फॉर्मूला, जो जो फॉर्मूलाज आते जा रहे हैं उनको पेजेस पर लिखकर, एक पेज पर लिखे उनकी प्रैक्टिस ज़रूर किया करें, क्योंकि MCQ से भी इसका रिलेशन होता है। कोई क्वेश्चन इसे छोटा सा आ गया और आपसे मैग्नीट्यूड पूछ के दो चीज़ें दी गई हो, तो आपको ईजिली आप उसको अपने MCQs में भी कवर कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी रेलेवेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो वहाँ तक शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.6 में, छोटी सी एक्सरसाइज है मजे की, तब तक के लिए हाफिज़।